नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कहते हैं धरती पर अगर भगवान किसी रूप में मौजूद हैं तो वो डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर ही होते हैं जो बीमार शख्स को न सिर्फ ठीक करते हैं बल्कि उसे एक तरह से नया जीवन देते हैं। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर्स ना हो तो फिर हमारा क्या होगा। ये डॉक्टर्स समाज का वो हिस्सा हैं जिनके बिना इस समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने भावी डॉक्टर्स के स्वागत के लिए भव्य समारोह आयोजित किया। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा स्थित निम्स में 150 मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए व्हाइट कोट समारोह का आयोजन किया गया। सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ ये सेमिनार दोपहर तक चला। इस दौरान उन स्टूडेंट्स को व्हाइट कोट सौंपे गए जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए आए हैं। ये समारोह हर उस छात्र को प्रेरित करने के लिए आयोजित हुआ जो भविष्य में डॉक्टर बन समाज की सेवा करना चाहते हैं। इस खास मौके पर नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चेयरमैन डॉक्टर देवेश कुमार, सरू सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व DGP विक्रम सिंह, मेडिकल डायरेक्टर SN गुप्ता, डीन अजय जैन, डॉक्टर मनु अरोड़ा आदि शामिल रहे। समारोह में मौजूद मुख्य अतिथियों ने स्टूडेंट्स के बेहतर भविष्य की कामना की और साथ ही साथ समाज में एक डॉक्टर का क्या दायित्व होता है इसके बारे में विस्तार से बताया। इस खास मौके पर निम्स के चेयरमैन डॉक्टर देवेश कुमार सिंह ने परंपरागत तरीके से स्टूडेंट्स को व्हाइट कोट सौंप कर आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी। निम्स के चेयरमैन डॉक्टर देवेश कुमार ने बताया कि एक डॉक्टर में क्या कुछ खूबियां होनी चाहिए और उसे किस तरह से अपनी फील्ड में काम करना चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर बनने के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनना बहुत जरूरी है। और आपने सुना होगा जब हम लोग स्टूडेंट्स को जो है स्पीच दे रहे थे, जितने भी अब डीन हैं या MS हैं या चांसलर सर हैं या मैं खुद हूँ, सब ने एक बात पे काफ़ी जोर दिया कि आप अच्छे डॉक्टर तो बने बट साथ साथ जो एक अच्छी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, अच्छी एक आपकी क्वालिटीज़ हैं, ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है, पेशेंस है, आपका जो है चैरिटी है, वो अपने कैरेक्टर में ज़रूर लाएँ। क्योंकि जितना सिंपैथेटिक आप होंगे अपने पेशेंट के प्रति उतने ही अच्छे आप डॉक्टर बनेंगे। चेयरमैन डॉक्टर देवेश कुमार सिंह ने यह भी बताया कि कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा आगे आकर काम किया तो वो डॉक्टर्स ही हैं। बट अगर आप इस पूरे पीरियड को देखें जो ऑनगोइंग पेंडेमिक है, अगर सबसे ज्यादा किसी ने इसमें योगदान दिया है या चीज़ों को बेहतर किया है तो वो आपके डॉक्टर्स, क्लिनिशियन, सर्जन, पैरामेडिकल स्टाफ ने किया है। अगर ये नहीं होते तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियाँ कितनी जो है खराब और हो सकती थी। निम्स के चेयरमैन ने इंस्टीट्यूट की तारीफ करते हुए बताया कि कैसे संस्थान हर एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, साथ ही कोरोना काल में सभी एहतियात बरतते हुए कैसे काम किया जा रहा है, आप भी सुनिए। जैसे आज पहला दिन था मेडिकल बैच का, तो स्टूडेंट्स को आज वेलकम किया गया व्हाइट कोट सेरेमनी के थ्रू, उनको वेलकम किया गया मेडिकल फ्रेटर्निटी में। और नए बैच के लिए जो है सारी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कोरोना के लिए, वो सब फॉलो की जा रही है, वेदर इट इज़ इन क्लासरूम्स, वेदर इट इज़ इन हॉस्टल्स, उस तरीके के सारे मानक फॉलो किए जा रहे हैं। और फैकल्टीज़ जो है राउंड द क्लॉक जो है कोर्स करिकुलम डेवलपमेंट में काम कर रही है अकॉर्डिंग टू NMC गाइडलाइंस। और वी हैव द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्ट अपडेटेड वन टू टीच द स्टूडेंट्स। वी एक्सेलेंट फैकल्टीज़ हैं जो कि बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से जो है हैं और आगे जो है स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। इस दौरान निम्स के डीन डॉक्टर AK जैन ने कहा कि हमारा मकसद इन सभी छात्रों को बुलंदियों पर ले जाने का है। उम्मीद करते हैं ये सभी तरक्की करेंगे और सभी का नाम रोशन करेंगे। एक्चुअली आज का दिन जो है निम्स के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, नेशनल मेडिकल कमीशन की परमिशन के साथ, ये सबसे पहला बैच है हमारे कॉलेज का और इन बच्चों को हमने बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। तो आज इनका पहला दिन है और पहला कदम है कि अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे MBBS स्टूडेंट्स बने और तरक्की की बुलंदियों को छुएं। तो व्हाइट कोट जब दिया जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि ये स्टूडेंट्स अब से जिम्मेवारी का पद लेंगे, अब से जिम्मेवारी से पढ़ेंगे और सोसाइटी में अच्छे डॉक्टर बन के दिखाएंगे। और जब वो डॉक्टर बन जाते हैं फिर उनको डिग्रियां दी जाती हैं और काबिल डॉक्टर बहुत तरक्की करते हैं। और हमारी इच्छा ये है कि हमारे 150 डॉक्टर जो एडमिट हुए हैं वो बहुत ही ऊंचाई तक जाएं, इंटरनेशनल रेपुटेशन लाएं। और कोशिश यही है कि इनके माँ बाप, बच्चे खुद और हम सब बहुत गर्व महसूस करें इस बात।
तो देखा आपने निम्स में कैसे भावी डॉक्टर्स को व्हाइट कोट सौंपे गए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। NMF न्यूज के लिए सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।